नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बाद अब प्रो रेसलिंग टूर्नामेंट होगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। 9 अक्टूबर को द यूनिक वॉर के नाम से देश विदेश के फाइटरों की फाइट देखने को मिलेगी। दरअसल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में द यूनिक वॉर प्रो रेसलिंग इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 18 रेसलर को बुलाया गया था। इनमें कुछ विदेशी रेसलर भी अपनी ताकत दिखाएंगे। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसके अलावा बॉलीवुड के एक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट साहिल खान भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। प्रो रेसलिंग इवेंट का आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 9 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शुरू होगा। आयोजन समिति के सदस्य सचिन आदवंशी ने बताया कि यहां जो प्रो रेसलिंग इवेंट का आयोजन होने जा रहा है, यह भारत में हुए अभी तक के सभी प्रो रेसलिंग इवेंट के मुकाबले में सबसे बड़ा होगा। इससे देश और विदेश के आए रेसलर भाग लेंगे। इस रेसलिंग इवेंट में 18 रेसलर पुरुष और महिला भाग लेंगे, जिनमें 4 विदेशी रेसलर भी शामिल हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार FFW मैच होने जा रहा है। पूरे देश भर के कई ऐसे देश हैं जहां रेसलर बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बड़ा खिलाड़ी पहुंचेंगे। हमारे साथ प्रिंस जी हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मैच में रोमांचक होने वाला है। रेसलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है मुन्ना। मुंह पर मुक्का लगता है तो खून भी निकल सकता है। ये रोमांच से बड़ा खेल है। आप देखेंगे जब आएंगे रिंग में, जब FFW के महान खिलाड़ी प्रदर्शन आपको दिखाएंगे अपनी कला का, तो आप यकीनन दंग रह जाएंगे। आपने और कहां कहां मैच खेले हैं? काफ़ी विश्व में हर जगह मैच खेले हमने, लेकिन अब ये भारत का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है और अब ये मैच सिर्फ आपके लिए हम खेल रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौतियां मानते हैं ये मैच, क्योंकि आपने बताया कि बहुत रोमांचक होता है और जिस प्रकार से लड़ाई फाइट होता है। देखिए चुनौतियां तो बहुत सारी होती है। जब रिंग में आप चढ़ते हैं, ये नहीं पता होता है कौन सी हड्डी टूटेगी, कहां से सर फटेगा, कहां कितनी चोट लगेगी। ये हम सिर्फ करते हैं अपने देश के मान सम्मान के लिए। और एक रेसलर को जो ट्रेनिंग दी जाती है, और जब वो गिरता है, जब वो मुक्का उसको लगता है, तो कितना बचाव अपना कर सकता है एक रेसलर। और इसलिए यही कहूँगा मैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसको आप घर में कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जी, किस तरीके से मैच रहेगा? मैचेस किस तरीके से रहेंगे? अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो आप क्या देखेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैच रोमांचक किस तरीके से रहेंगे। मेरे वो सॉन्ग ये टाइटल मैच है एक्चुअली। ये हु बोल सकते हैं, आई वांट टू प्रूव माय सेल्फ। सो डाकिरा, इफ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, सो कम एंड फाइट विद मी October 9। एंड आई थिंक यू डोंट नो माय नेम। यस, एक्चुअली आई एम फ्रॉम नेपाल। माय नेम इज अस्मिता चुराली। Nobody can touch me, nobody can touch my belt, nobody। हमारे साथ कुछ चेयरमैन भी जी हैं जो इनके फाउंडेशन हैं। क्या किस क्या क्या महत्वपूर्ण रहेगी इस मैच में? देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये चीज़ें रहेंगी कि मैच तो आप अनोखे मैच तो देखेंगे, 1-on-1 टाइटल है, उसके अलावा टैग टीम इसमें होने जा रही है, फीमेल्स का 1-on-1 डीवा मैच रहेगा, एक लाइव एक्शन मूवी के साथ साथ फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहने वाला है, जो आज तक मेरे ख्याल से रायपुर की पब्लिक ने ऐसा एंटरटेनमेंट देखा नहीं होगा। तो आप लोगों के माध्यम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने टिकट्स बुक करें अभी, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट खड़े होकर मज़ा नहीं आने वाला, बैठ के देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो अपनी सीट्स को बुक करें जल्दी से जल्दी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ये मैच होने जा रहा है, किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे और कैसा रहेगा ये? मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्पेशली ये संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादातर लड़के लड़कियां जितने हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस इवेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि इस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलने वाला है। और बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में ज़रूर भाग लें, क्योंकि जान है तो जहान है और फिटनेस है तो इंसान है। तो ये मैसेज सभी को देना चाहते हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसमें कनेक्ट करें। आपने कहा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कॉलरशिप देने के घोषणा किए, जो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं, उसको किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? भारत में हम लोगों की रेसलिंग एकेडमी है, सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी है पूरे इंडिया की,
पूरे एशिया की। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों को एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि इस इवेंट के बाद आप ऑडिशन दें। ऑडिशन देने के बाद जो एक रेसलर को बनाने का लाखों रुपए का खर्चा लगता है वो FFW बियर करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। रेसलिंग की ट्रेनिंग, आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, आपके थीम म्यूज़िक, आपके फ़ोटोशूट, आपके वीडियो प्रोफाइल, आपकी ग्रूमिंग क्लासेस, आपके फिटनेस, आपकी बॉडी बनाना, आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड कराना, आपके बॉडी के वर्कआउट शेड्यूल्स, तो ये लाखों रुपए की चीज़ें हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप के तौर पे देने वाले हैं। ये मैच कब होगी और समय कब होगा और इसमें एंट्री कैसे होगा? 9 अक्टूबर संडे छुट्टी का दिन है और समय रहेगा 5 बजे। इंडोर स्टेडियम में ये प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। 5 बजे से प्रोग्राम रहेगा, रात के 9 बजे 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और साथ ही साथ आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बुक माई शो पे द यूनिक वॉर के नाम से आपने जाना है। पेटीएम और बुक माई शो इन दोनों पे इसकी टिकट अवेलेबल है। 499 रुपये, कुछ भी नहीं होता। फ़ोन उठाइए, स्कैन करिए, टिकट लीजिए और एंट्री कर दीजिए। इसमें कितने देश का रेसलर आएंगे? कई सारी कंट्रीज से हैं, भारत से हैं, US से हैं और कई सारी कंट्रियाँ हैं। वो आप लोगों को जल्दी अनाउंस हम लोग करेंगे इवेंट वाले दिन कि कहां कहां से आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी अपनी एंट्री के साथ, अपनी थीम के साथ इस तरीके से वो लोग एंट्री करने वाले हैं। ये थे रेसलर के जो चेयरमैन थे, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक मैच WFF के माध्यम से खेली जा रही है। News+21 के लिए महेश कुमार साहब रायपुर। और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात।